हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज फिर एक बार आपके लिए लेकर के आया हूँ ओल्ड पेपर। ये जो पेपर मैं आज कराने वाला हूँ ये है एमपी में पीबी ने एग्जाम लिया था एमपी टूरिज्म का 2013 में, उसके बारे में यहाँ पर हम इंग्लिश के आज क्वेश्चंस जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये नीचे जो ऑप्शन दिए गए इनमें से हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो सेंटेंस है, ही सैड माई फादर लाइक्स द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन। तो रिपोर्टिंग वर्ब है, आपकी पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो जब इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो ही सैड का ही सैड रहेगा, दैट लगाएंगे कंजेंशन, माई चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हिज हो जाएगा हिज फादर, प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में तो लाइट हो जाएगा। तो यानी कि इस सेंटेंस का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी ही सेड माई फादर लाइक्स द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ही सेड दैट हिज फादर लाइक द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन। ओके, सेकेंड सेंटेंस है आपका 77 नंबर का, ही सेड टू हर विल यू लैंड मी योर बोट फॉर अ डे। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर जो सेट टू को अब हम बना देंगे आस्ट, तो आस्ट तीन सेंटेंस में लगी हुई है। अब इसके बाद देखेंगे हम कंजेंशन। तो जब कोई भी आपका रिपोर्टेड स्पीच एडजुलरी वर्ब से स्टार्ट होती है तो कंजेंशन यहाँ पर यूज हो रहा इफ, तो तीन सेंटेंस में कंजेंशन इफ लगा हुआ है लेकिन एक में सेट लगा है, तो आपके ऊपर के दो ए और बी बचते हैं, दोनों में से कोई राइट हो रहा। अब क्या हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे बना देंगे हम असर्टिव सेंटेंस। पूरा सेंटेंस ये असर्टिव बना दिया जाएगा, यानी कि यू चेंज हो रहा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यू हो जाएगा सी, बिल चेंज हो जाएगा बोट लैंड, मी फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा यहाँ पर हिम हो जाएगा, फिर योर आ गया तो योर आपका सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर को यहाँ पर हर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो हमारा जो राइट आंसर हो रहा वो हो रहा ही आस्क्ड हर इफ सी वुड लैंड हिम हर बोट फॉर अ डे, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 78, राम सेड टू मोहन वेयर डू यू लिव। सेंटेंस है इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सेंटेंस का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन है, राम आस्क्ड मोहन वेयर ही लिव्स, राम टोल्ड मोहन वेयर ही हैज लिव्ड, राम सेड टू मोहन वेयर ही लिव्ड एंड राम आस्क्ड मोहन वेयर ही लिव्ड। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका डी नंबर का, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो डब्ल्यू एच वर्ड है इसके अनुसार हम यहाँ सेड टू को चेंज कर देंगे। आस्क में कंजेंशन जो डब्ल्यू एच वर्ड है वही रहेगा और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे असर्टिव बना दिया जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। तो राइट ऑप्शन है इस सेंटेंस का डी। नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रपोजिशंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। या नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर करेक्ट बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, तो सेंटेंस है, देयर इज ए क्राउ डैश द फील्ड। ऑप्शन है इन, एट, ऑन एंड अपॉन। तो इस सेंटेंस का जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो जाएगा इन, यानी ए, देयर इज ए क्राउ इन द फील्ड। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 80, हियर इज द वॉच दैट यू आर लुकिंग। यानी ये रही बात जो तुम ढूंढ रहे थे। अब लुक मीन्स होता है वैसे देखना, लेकिन जब इस ये फ्रेजल वर्ब के रूप में सेंटेंस में यूज होती है तो लुक फोर का मतलब निकलता है सर्च से, ढूंढने से। तो जब भी लुक के बाद फोर लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्च। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 81, सी हैज बीन स्टडिंग डैश टू हावर। सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसमें यूज होता है सेंस ऑफ फोर के बाद टाइम, एंड टू हावर्स आपका टोटल पीरियड ऑफ टाइम है। तो इस सेंटेंस में आपका यूज किया जाएगा ऑप्शन बी, यानी सी हैज बीन स्टडिंग फोर टू हावर्स। आप भी कमेंट करके बताते जाइए नीचे और लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर देखें कि आपने कितना इसे इसमें अटेम्प्ट किया है। चलिए, यहाँ पर एक मिल जाता है अब हमें बहुत अच्छा सा अनसीन पैसेज। आज एक इस पैसेज को भी हम कर ही लेते हैं। तो पहले हम मैं पैसेज पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। पैसेज है, ए किंग विद एन इनसिविल आर्मी इन्वेडेड ए स्मॉल कंट्री। यानी एक राजा जिसकी सेना कैसी थी, इनसिविल आर्मी, यानी कि एक ऐसी सेना जिसे कोई जीत नहीं सकता था, यानी अनकंक्वरेबल आर्मी थी। इन्वेडेड, इन्वेडेड यानी उसने प्रवेश किया जबरदस्ती कहाँ पर, ए स्मॉल कंट्री, एक छोटे से देश में।
एट सम डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, ही सा ए वूमन विद टू स्मॉल चिल्ड्रन, यानी राजा ने एक महिला को देखा जिसके साथ कितने बच्चे थे, दो बच्चे थे, ए बॉय एंड ए गर्ल, एक लड़का था और एक लड़की। द मोमेंट द वूमेन्स आईज फेल ऑन द फॉर्मिडेबल आर्मी, जैसे ही महिला ने क्या देखा, फॉर्मिडेबल आर्मी देखा, तो क्या हुआ, सी पिड द गर्ल इन हर आर्म, उसने लड़की को अपनी बाहों में उठाया, एंड स्टार्टेड रनिंग अवे, और तेज भागना शुरू कर दिया। द लिटिल बॉय लेफ्ट बिहाइंड बाई द वूमेन स्टार्टेड क्राइंग, और दूसरे बच्चे को उसने वहीं छोड़ दिया, महिला रोते हुए भागने लगी वहां से। द किंग आस्ट ए सोल्जर टू ब्रिंग द वूमेन, राजा ने सिपाहियों से कहा कि जाकर के उस महिला को लाओ, एंड द चिल्ड्रन बिफोर हिम, और उन बच्चों को भी लेके आना है। द किंग आस्ट द वूमेन, फिर राजा ने महिला से पूछा, व्हाई डिड यू लीव द बॉय चाइल्ड बिहाइंड, कि तुमने उस लड़के बच्चे को यहाँ पर क्यों छोड़ा, बिहाइंड पीछे, एंड ट्राई टू रन अवे विद द गर्ल चाइल्ड, और तुम लड़की बच्ची को क्यों लेके गई भागी। तो द वूमन सेड, महिला ने कहा, ग्रेट किंग हे मान राजा, द गर्ल इज माई ब्रदर्स डॉटर, ये जो लड़की मैं लेके जा रही थी वो कौन थी, मेरे भाई की पुत्री थी, पुत्री है। द बॉय इज माई सन, और जो लड़का है वो मेरा खुद का जो लड़का है वो मेरा पुत्र है। आई कुड नॉट लेट डाउन माई ब्रदर बाई सेविंग माई सन, मैं अपने भाई को निराश नहीं कर सकती अपने लड़के को बचा करके, एंड लीव इन द गर्ल टू हर फेथ, और लड़की को उसके भाग्य पर यहाँ नहीं छोड़ सकती। द किंग सेड टू हिज सोल्जर, राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, इफ दिस कंट्री हैज सच ब्रेव वूमन, यदि इस देश में ऐसी महान बहादुर महिलाएं हैं, तो हु आर रेडी टू मेक सच सेक्रीफाइस, जो बलिदान करने के लिए तैयार हैं इस तरह का, तो वी कैन नेवर कंकर इट, तो हम इसे कभी नहीं जीत सकते। ही रिवार्डेड द वूमेन विद रिच गिफ्ट, उसने महिला को बहुत सारे उपहार दिए। ही गेव अप द आइडिया ऑफ कंकरिंग दैट कंट्री, और उसने उस देश को जीतने का विचार छोड़ दिया। चलिए दोस्तों, अब इसके करते हम यहाँ पर आंसर बहुत ही सिंपल होंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, इन सिविल आर्मी मीन्स होता है एक ऐसी सेना जिसे जीता नहीं जा सकता, यानी ए द राइट ऑप्शन, अनकंकरेबल आर्मी। ओके, लेट डाउन मीन्स, लेट डाउन मीन्स क्या होता है, डिसप्लीज, फेल टू हेल्प और सपोर्ट समबडी एज दे हैड होप्ड और एक्सपेक्टेड, तो इसका आंसर भी यही होगा, लेट डाउन मीन्स होता है किसी को निराश न करना। ओके, नेक्स्ट है 84 नंबर का, व्हाई डिड द वूमेन स्टार्ट रनिंग अवे विद वन चाइल्ड ऑन सीइंग द फॉर्मिडेबल आर्मी, महिला ने एक बच्चे को लेकर के जैसे उसने आर्मी देखी तो दौड़ना शुरू क्यों किया, ये बताना है। तो सी हैड नो टाइम टू डिसाइड विच चाइल्ड टू पिक, उसके पास समय नहीं था कौन से बच्चे को लें। सी कुड नॉट रन विद टू चिल्ड्रन इन हर आर्म, वह दो बच्चों को एक साथ लेके नहीं दौड़ सकती थी। सी पैनिक्ड ऑन सीइंग द फॉर्मिडेबल आर्मी, उसने भया जो सेना थी अनकंकरेबल आर्मी थी उसे देख के वो डर गई। तो इस सेंटेंस का जो राइट ऑप्शन है वो सी ही है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द किंग थिंक दैट द वुमन वाज ब्रेव, राजा को ऐसा क्यों लगा कि महिला बहुत ही ब्रेव थी। तो ऑप्शन है यहाँ पर सी, आंसर द किंग क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन, उसने राजा के आंसर को बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिए क्वेश्चन के, सॉरी। सी डिड नॉट सेव हर लाइफ बाई लीविंग द टू चिल्ड्रन बिहाइंड, वह अपने जीवन को नहीं बचाना चाहती थी दोनों बच्चों को वहाँ छोड़ करके। सी बाई रेडी टू सेक्रीफाइस हर ओन सन टू सेव हर ब्रदर्स डॉटर, वह अपने खुद के पुत्र का बलिदान करने के लिए तैयार थी अपने भाई की पुत्री को बचाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो सी ही होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका क्वेश्चन नंबर 86, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, इसका सही टाइटल बताना है। द ग्लोरी ऑफ सेक्रीफाइस बिल्कुल राइट है आपका, ए ऑप्शन ही इसका राइट होगा। चलिए वहां देखते हैं 87 नंबर में हमारे पास फिर से ग्रामर आती है। यहाँ पर क्या है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन द चॉइस गिवन बिलो, नीचे जो सेंटेंस दिए गए उनमें हमें टेंस फिल करना है। मिस्टर क्रोस डैश यस्टरडे अबाउट द सैंपल मटेरियल यू वांटेड, तो दोस्तों इस सेंटेंस में एक टाइम एडवर्ब है यस्टरडे, और यस्टरडे बताता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को।
तो यहाँ पर आपका जो करंट ऑप्शन होगा 87 का, वो यूज किया जाएगा ए। दोस्तों क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और पहली बार चैनल पर आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं, सेंटेंस नंबर है 88। व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग, जब मैं बता रहा था हाउ द पंप बर्स्ट, कि पंप ने कैसे काम किया, सडनली द इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही, इलेक्ट्रिसिटी ये पैसे बर्स बनाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाच कट ऑफ। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस, यानी कि 88 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 89। सी इज डैश द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर साल्ट। इस सेंटेंस में दोस्तों जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा सी इज टेस्टिंग। नॉर्मली जो टेस्ट वर्ब है वो आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, इसे कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब किसी चीज़ में स्वाद का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है तो टेस्ट वर्ब को कंटिन्यूअस में प्रयोग कर दिया जाता है। इसी वजह से 89 नंबर में यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिटरमाइनर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे जो ऑप्शन दिए गए इसमें हमें सही डिटरमाइनर का यूज करना है। सेंटेंस है 90 नंबर का, डैश पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। तो इस सेंटेंस में हमें डिटरमाइनर यूज करना है दिस दैट द या वन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। आप ये भी दे सकते हैं कि ये डिग्री लिखी हुई है, कंपेरेटिव डिग्री है, और तुलना किसमें की जा रही है, द सॉर्ड में और पेन में। अब सॉर्ड से पहले क्या लगा हुआ है, आपका द डिटरमाइनर है, तो पेन से पहले भी द का यूज किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मली 90 नंबर का सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है 91, डैश ग्रीन ट्री इज देयर्स। ऑप्शन है दीज दिस ऑल या नन ऑफ द एबव। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या यूज किया जाएगा। सबसे पहले देखिए ग्रीन ट्री, ये नाउन है आफ्टर सिंगुलर, तो दीज के बाद क्या आता है प्लूरल आता है, दिस के बाद क्या आता है सिंगुलर आता है, ऑल के बाद क्या आता है प्लूरल आता है, यानी दीज और ऑल तो है नहीं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो जाएगा बी, यानी दिस ग्रीन ट्री इज देयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है 92 नंबर का, डैश लेडीज आर नॉट इंडियन। यहाँ पर भी डिटरमाइनर यूज करना है, ऑप्शन है दिस दैट दोज एंड एनी। तो सबसे पहले हम नाउन देखते हैं, लेडीज कैसा नाउन है प्लूरल नाउन है, दिस के बाद क्या आता है सिंगुलर आता है, दैट के बाद क्या आता है सिंगुलर आता है, एनी के बाद क्या आता है सिंगुलर आता है, दोज के बाद क्या आता है प्लूरल आता है। तो 92 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, यानी दोज लेडीज आर नॉट इंडियंस। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 93। इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है डैश इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। यूज करना है आपको ऑल स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट्स या ए स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखते हैं एडजुलरी वर्ब है इज, यानी सिंगुलर आपका सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। ऑल स्टूडेंट क्या है प्लूरल है, स्टूडेंट्स क्या है प्लूरल है, ईच स्टूडेंट क्या है सिंगुलर है, और ए स्टूडेंट क्या है सिंगुलर है, इन दोनों में से यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो जाएगा आपका डी, क्योंकि यहाँ जनरल बात हो रही है, ए स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, सॉरी यहाँ पर डी नहीं, आपका जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा बी, ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 94 नंबर का, विच विल यू हैव, ऑप्शन है इट और दिस, दैट और देम, दीज और दोज, दिस और दीज। तो सबसे पहले देखें इट और दिस कोई कॉम्बिनेशन नहीं, दैट और देम ये सिंगुलर है ये प्लूरल है तो ये भी यूज नहीं किया जाएगा, दिस और दीज ये भी सिंगुलर प्लूरल हैं दोनों सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा दीज और दोज, ये राइट हो रहा, विच विल यू हैव दीज और दोज, सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे जो ऑप्शन दिए जाए इनमें आपको आर्टिकल यूज करना है। चलिए देखते हैं करेक्ट आर्टिकल क्या होगा। 95 नंबर का है ही इज डैश ऑर्फन, ऑप्शन है ए एन द या नन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा बी, ही इज एन ऑर्फन। नेक्स्ट है इट इज नॉट सच डैश बिग प्रॉब्लम एज यू थिंक, ऑप्शन है आर्टिकल ए एन द एंड नन में से, तो करेक्ट ऑप्शन हो रहा बोल रहा ए, इट इज नॉट सच ए बिग प्रॉब्लम, मैंने कई बार बताया है सच रादर एंड पिटी, इनके बाद जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आते हैं तो हमेशा आर्टिकल बीच में ए एन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 97, ही इज डैश यूरोपियन।
यहाँ पर हमें यूज करना है करेक्ट आर्टिकल, ऑप्शन है ए एंड या नन में से, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका ए आर्टिकल, राइट ऑप्शन होगा ए, यानी ए यूज किया जाएगा, ही इज ए यूरोपियन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 98, राजा इज डैश ऑनेस्ट बॉय, और यहाँ पर यूज करना आर्टिकल ए एंड या नन में से, तो राइट ऑप्शन होगा 98 नंबर का बोगा आपका बी एन, राजा इज एन ऑनेस्ट बॉय। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसे बॉयज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, नीचे जो ऑप्शन दिए जाए इनमें से आपको यूज करना है पैसे बॉयज, बताना है कौन सा करेक्ट पैसे है। 99 नंबर में है कालिदास रॉट द प्ले शकुंतला, सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का, पैसे बनाना है तो ये ऑब्जेक्ट है आपका इतना, द प्ले शकुंतला पूरा ऑब्जेक्ट है तो लगा हुआ है सभी में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है बाज, तो ए और बी में है। फिर उसके बाद जो मेन वर्ब होती है उस वो आती है थर्ड फॉर्म में, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा ए, यानी द प्ले शकुंतला बाय रिटन बाई कालिदास। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 100, हु रॉट दिस बुक, ऑप्शन है बाई हुम इज दिस बुक रिटन, बाई हुम बाई दिस बुक रिटन, बाई हुम विल दिस बुक बी रिटन, बाई हुम वुड दिस बी रिटन, बुक बी रिटन। ओके तो हु को बना देंगे बाई हुम, चारों में लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी बाज, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका बी, यानी कि बाई हुम बाज दिस बुक बी दिस बुक रिटन, ये इसका राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए आपको करना है छोटा सा काम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।